हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और संडे मतलब रेस्ट करना, सब कुछ काम लेट होना। तो सबको हैप्पी संडे। तो आज मैं भी थोड़ा लेट से उठी हूँ सो के। तो सोने के उठने के बाद से ही काम पे थोड़ा जो मॉर्निंग रूटीन काम रहता है वो सब कर लिया है। और मिष्टू भी लेट से उठी है और मिष्टू को थोड़ा सर्दी हुआ है, तो मैं तब से बोल रही हूँ चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो अनुज बोल रहा है संडे है, थोड़ा बैठ बैठ के लेट से करते हैं सब कुछ। तो अभी किचन पे जोर तोड़ से ब्रेकफास्ट की तैयारी भी चल रही है और लंच की तैयारी भी चल रही है, क्योंकि अगर ब्रेकफास्ट करके फिर लंच की तैयारी करना शुरू करूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा कुकिंग करने में। तो वही, तो मैंने सोचा वीडियो को अभी मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ। तो अनिरुद्ध भी थोड़ा हेल्प कर रहे हैं मुझे किचन पे, क्योंकि आज संडे है, हर दिन तो होता नहीं है, वो 8:30 8:35 ऐसे 45 को ऑफिस चले जाते हैं। तो आज थोड़ा उनको टाइम मिला तो बोल मुझे हेल्प कर देते हैं। तो वही अनिरुद्ध भी हेल्प कर रहे हैं काम पे। तो वही अभी ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है, हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और मिष्टू को मैंने ब्रेकफास्ट दे भी दिया है, वो ब्रेकफास्ट उसका हो भी गया। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मिष्टू को थोड़ा सर्दी हुआ है, लेकिन जैकेट क्यों खोल दिया फिर तुमने? उधर थोड़ा गर्मी था। हाँ बहन, तो गर्मी तो है, मतलब सुबह ठंडी है फिर सारा दिन बहुत ज्यादा गर्मी है। तो अभी ब्रेकफास्ट की कुछ तैयारियां हो गई है, और ब्रेकफास्ट में आज अनिरुद्ध ने बोला एकदम सिंपल रखो, ब्रेड लाए थे, ब्रेड बटर जैम जिसको जैसा चाहिए, और बॉयल एग, बनाना, फ्रूट्स जो भी हो वैसा है। तो अभी अनिरुद्ध भी मुझे हेल्प कर रहे हैं, अनिरुद्ध अभी कैबेज काट रहे हैं, कैबेज काट के मुझे दे रहे हैं। तो चलिए, गुड मॉर्निंग। तो अनिरुद्ध कैबेज काट रहे हैं, मुझे आवाज आ रहा होगा चाकू से एकदम जोर जोर से। तो यहाँ पे कैबेज कट हो गया है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, पालक साग भी कट करके भिगो के रखा है, क्योंकि पालक साग बनेगा, कैबेज की सब्जी बनेगी, फिश, दाल और राइस बनेगा। और यहाँ पे जो मेरे हेल्पर हैं हेल्प कर रहे हैं, तो हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो आज हम लोग एकदम सिंपल और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं करेंगे। मिष्टू का हो गया है, मिष्टू ने खा लिया है, अभी बस मैं और अनिरुद्ध बाकी हैं। और सुबह सुबह किचन थोड़ा फैला हुआ होता ही है सभी का, क्योंकि जल्दीबाजी में हम काम करते हैं, और आज तो संडे है तो लेट कर करके लेट ही हो गया। तो चलिए बाकी ब्रेड्स में भी जैम और बटर लगा देती हूँ और हम लोग खा लेते हैं। ब्रेकफास्ट ले लिया है, बनाना, एक बॉयल और ब्रेड बटर एंड ब्रेड जैम। भूख लगी है बहुत जोरों की, खा लेती हूँ। कुकिंग स्टार्ट कर दिया मैंने आफ्टर ब्रेकफास्ट। यहाँ पे राइस बिठा दिया है, यहाँ पे दाल बॉयल करने के लिए बिठा दिया है, और यहाँ पे पालक साग भी बिठा दिया है, और हम साग में बैंगन देते हैं तो बैंगन को यहाँ फ्राई करके रखी हूँ। साग स्टार्ट कर रही हूँ, तेल में कलौंजी डाल के, हरी मिर्च डाल के, इसमें नमक, और ये थोड़ा कम हो जाएगा, अभी ढक दूंगी तो एकदम कम हो जाएगा। इसको भी हिला नहीं सकती, ये गिरेगा, इसको ऐसे देख के मैं थोड़ा ढक दूंगी तो पानी निकल के ये कम हो जाएगा। यहाँ हो गया है, थोड़ा पानी निकला है, अब इसको एकदम ड्राई करना है मुझे। साग कुक हो गया है, उसको उतार लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी चढ़ा दिया, यहाँ पे पत्ता गोभी हो रहा है, वहाँ पे फिश फ्राई हो रहा है, यहाँ पे फिश कुछ फ्राई हो गया है, उसका बस झोल बनाना है, मतलब करी करना है। दाल हो गया है, साग हो गया है, राइस हो गया है, ये फटाफट मेरा कुकिंग चल रहा है। अभी ये करते करते मैं मिष्टू को नहलाने जा रही हूँ, ये थोड़ा होता रहे, अभी मिष्टू का आवाज़ आ रहा है, कैमरा घुमाओ तुम्हारी तरफ। तो चलिए, ये कुकिंग करते करते होता रहे, मैं मिष्टू को भी नहला देती हूँ, ऐसे ही काम करती हूँ।
तो मेरा सब काम हो गया है, कुकिंग हो गया है और घर में जितना जो क्लीनिंग था सब कर लिया है। अभी है, मैं शाल लेने जा रही हूँ। अभी थोड़ा आज लेट हो गया है संडे, क्योंकि मैंने सब कुछ लेट स्टार्ट किया था, तो अभी 1 o'clock से भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो अभी आज सुबह मैंने बहुत सारे तेल डाले थे सर पे, हेयर ऑयल किया था, तो अभी अच्छे से शैम्पू करके शाल लेके आती हूँ। फिर लंच करेंगे, तो लंच करने से पहले आपको दिखाऊंगी कि पूरा खाना कैसा लग रहा है, मतलब क्या क्या बनाया है और कैसा दिख रहा है कुकिंग के बाद। और मिष्टू को भी नहला दिया है, वो भी शावर ले ली है, अभी वो कार्टून देख रही है उसके। तो चलिए पहले शावर ले लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। मैंने शावर ले लिया है, एकदम अच्छे से फ्रेश होके आई हूँ, शैम्पू कर लिया है और अभी किचन पे आके बहुत लेट हो गया, लगभग 2 बज गया है। अभी आपको फाइनली दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है, मतलब पूरा खाना। तो यहाँ पे बनाया पालन साग, तो इतना सारा साग इतना हो गया है। और यहाँ पत्ता गोभी की सब्जी, वो भी मैंने दिखा रही थी बनाते बनाते। यहाँ पे फिश करी, मतलब थोड़ा ड्राई में, उतना ज़्यादा ग्रेवी नहीं दिया। और यहाँ पे टमाटर की चटनी, अनिरुद्ध कल बोल रहे थे टमाटर की चटनी होने खाने का मन कर रहा है। और यहाँ पे दाल भी है, और दाल बनाया है। और राइस टेबल पे लेके गई थी, यहाँ पे क्लीन करना था इसलिए। तो एवरी संडे या तो हम चिकन खाते हैं या तो मटन खाते हैं, लेकिन कल ही हम चिकन खाए थे, तो इसीलिए 2 दिन बार बार चिकन उतना अच्छा नहीं लगता। और जैसा भी अलग प्रिपरेशन बनाए, तो इसीलिए मेरे घर पे सब फिश लवर है, मैं भी, मतलब अनुरोध, मिष्टू, सबको फिश ज़्यादा पसंद है। तो फ्रिज में ये वो 2-3 टाइप का फिश था, तो सबको मिला के मैंने एक आज फिश करी बना दिया। तो चलिए लंच परोस देती हूँ, क्योंकि मिष्टू को भी भूख लग गया है, मुझे भी, हम सबको। फिर खाने के बाद मिलती हूँ। चलो मम्मी, मिष्टू तो एकदम आराम से टीवी देखी जा रही है। भूख लगा है मिष्टू को? नहीं, मैंने अभी केला खाया। तो अभी क्यों केला खाया? अभी तो लंच टाइम हो गया है। तो अभी हमारा लंच सब हो गया है। और आज पास इतना कंस्ट्रक्शन का आवाज है ना, कि हम जब, मतलब मैं जब वीडियो स्टार्ट करती हूँ तभी ऐसा आवाज, या तो ड्रिल मशीन का आवाज, या तो मतलब कुछ ठुक ठुक करने का आवाज, हैमर का आवाज आता है। तो हमारा लंच हो गया है और पैर दे दो बच्चे। तो उसकी तबीयत ठीक है, सिर्फ थोड़ा उसको सर्दी हुआ है, सर्दी और थोड़ा गला बोल रही है, खुश, मतलब जैसे होता है ना खुस वैसे, और नाक बंद हो रहा है। तो मेडिसिन दे रही हूँ मैं उसको, नेजल ड्रॉप भी दे रही हूँ और एक सर्दी कम होने के लिए एक मेडिसिन भी दे रही हूँ। तो वही, अभी तो सीजन चेंज हो रहा है ना, तो सीजन चेंज में तो बच्चों को थोड़ा सर्दी खांसी, या हमको भी, मतलब सुबह उठती हूँ तो मेरा भी गला थोड़ा बैठा लगता है। और वही अभी आग भी, मतलब छोटे छोटे हो गए, नींद आने के लिए छोटे छोटे नहीं बोल रही हूँ, मतलब सर्दी में थोड़ा आग ऐसे छोटा छोटा हो गया। तो वही, मिष्टू ने आज लंच में माछ भात खाया, मतलब फिश। तो वही बच्चों की, मतलब कुछ होता है तो फिर ये होता है, लेकिन कुछ नहीं है उसको, सिर्फ सर्दी है। और अभी पहले से अच्छा है ना सर्दी? अभी पहले से ठीक है सर्दी? पहले से ठीक है, सिर्फ रात को सोती है या दिन को कभी सोती है तो नाक लग रहा है बंद। ड्रॉप लेके आओ, मैं दे दूँ ड्रॉप, देने का टाइम हो गया ना, इसको रखो। पर इस लॉकडाउन में मिष्टू ने कितने हेयर बैंड तोड़े हैं, चप्पल, यहाँ से वहां तक के लिए चप्पल नहीं चाहिए लगेगा। और मिष्टू को भी मैं बोली पापा के पास जाके थोड़ा लेट हो, बट उसको भी नहीं लेटना है, तो ऐसे भी अभी बहुत लेट हो भी गया है, अभी सोएगी तो फिर होता है ना, लेट से सोते हैं तो लेट तक उठते हैं, इवनिंग पे थोड़ा लेट होता है तो फिर मूड भी कैसा होता है, और फिर रात को भी नींद ठीक से नहीं आती। वही अभी मैं बोली ठीक है, फिर थोड़ा खेलो, फिर जल्दी डिनर करके जल्दी सो जाना। हाँ, तो मिष्टू को थोड़ा, मिष्टू की सेवा कर लेती हूँ, मिष्टू को थोड़ा नेजल ड्रॉप दे देती हूँ। और नेजल ड्रॉप देने में भी बचपन में नाटक नहीं करती थी, बचपन में ना देती थी अच्छे से, अभी जितनी बड़ी बड़ी हो रही है ना, उतना मुंह में आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसे करो, तो
तो माँ बनना आसान नहीं है, मम्मी बाहर जा रहे हूँ मैं, कुछ नहीं होगा, वो अंदर घुस जाएगा, घुस 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 घुस। और मेरे बाल इतने थे, मैंने लास्ट ईयर अगस्त में ही इतना कराया था, अभी तो फिर भी इतना हुआ है, बढ़ गया है। इतना करने की जरूरत नहीं, इतना करने से ही हाँ, विष्णु बहुत गुस्सा हुई थी जब मैं हेयर कट की थी, तो बोल रही इतना करने की जरूरत नहीं, इतना करने से हो जाए, ऐसे करो वो निकल रहा है। और फिर अभी तो आज तो संडे है, कल से तो मिष्टू का भी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट, और हो गया छुट्टी दिवाली का खत्म, कल से वैकेशन खत्म। ऑनलाइन क्या, 2 घंटा तो क्लास होता है मिष्टू, वो भी अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर क्या फायदा। तो 2 घंटा क्लास कल से मिष्टू का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट। अनुभूत का तो ऑफिस खुली गया था लास्ट ट्यूजडे से, तो फिर कल मंडे है तो उनका भी ऑफिस है, फिर वही रेगुलर लाइफ, रेगुलर रूटीन स्टार्ट। लेकिन वही पहले का रेगुलर रूटीन ज़्यादा अच्छा था, कि हम निकलते थे, स्कूल छोड़ने जाती थी, स्कूल से लेने जाती थी, बिजी शेड्यूल था फिर भी वही अच्छा था। अभी तो पता नहीं कब नॉर्मल होगा पहले जैसा, तो थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर टी टाइम। और आज तो संडे है, तो संडे टी टाइम तो अनुरुद्ध का ही, अनुरुद्ध ही बनाते हैं चाय, और सुबह बहुत हेल्प कर देते हैं, मतलब कर दिया था अनुरुद्ध ने, इसलिए कुकिंग थोड़ा और जल्दी हो गया है। नहीं तो अभी सब काम करके, मतलब हाउस हेल्पर भी नहीं, सब काम करके फिर सब करके थोड़ा लेट ही हो जाता है। वैसे भी आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी लेट हुआ, सब कुछ लेट लेट हुआ, तो भाई अभी मतलब अभी नहीं, पहले से ही, शुरू से ही जब मुझे थोड़ा हड़बड़ी होती है या लेट हो जाती हूँ, तो अनुरुद्ध हमेशा चॉपिंग करके देते हैं मुझे, और मैं वहीं पे बैठ के कुक कर, मतलब खड़े होके कुकिंग करती हूँ या कुछ भी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो हम लोगों में बहुत बातचीत हम करते हैं, बातचीत करते करते हम काम करते हैं, तो बहुत कुछ बातें हैं, डिसीजन है, जब वहाँ पे खड़े होके किचन पे लेते हैं या बहुत कुछ बोलना होता है, तो सारा दिन हमको टाइम नहीं मिलता है। तो चलिए थोड़ा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद क्योंकि लेट से उठी हूँ, लेकिन फिर भी इतना काम करके ना अभी थोड़ा लग रहा है कि थकी थकी लग रही हूँ, और मिष्टू को भी थोड़ा मेडिसिन पिला देती हूँ दवाई। चलो उठो, अभी उठ जाओ, हो गया है, मेडिसिन पिला देती हूँ, मेडिसिन लेके आओ, फिर टी टाइम पे आपसे मिलती हूँ, चाय पीने के टाइम पे। टी टाइम हो गया, मतलब टी टाइम होके चला भी गया है, तो थोड़ा लेट से अभी चाय पी रहे हैं, और अभी तो जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो मेरा हमारा टी टाइम और मिष्टू का मिल्क टाइम चल रहा है, और मिष्टू का मूड थोड़ा ऑफ है, दूध देखने से मिष्टू का मूड ऑफ हो जाता है। और आज संडे है, तो संडे को कहीं हमको घूमने नहीं लेके जाओगे, तो संडे को कहीं मतलब कुछ भी हो, थोड़ा ऐसे नीचे से घूम के आने से भी अच्छा लगता है। संडे साइकिल लेके, अच्छा तो थोड़ा अच्छा लगता है नीचे जाने से, वही चाय पी के थोड़ा रेडी होके, मतलब नीचे जाने के लिए थोड़ा रेडी होना है, वो भी सोच के अच्छा लगता है, सारा दिन घर पे रहना, तो चाय पी लेते हैं। तो अनिरुद्ध ने बोला थोड़ा रेडी होके नीचे से घूम के आते हैं, तो रेडी हो जाती हूँ, और अभी तो कंघी भी नहीं की हूँ नहाने के बाद से, और अभी रेडी होके मिष्टू को रेडी करके थोड़ा सा घूम के आते हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा, तो संडे मतलब थोड़ा सा निकलना बनता है। और मिष्टू का भी ठीक है, सर्दी नाक बंद नहीं है ना, खुल गया ना नाक, एकदम खुल गया। और लिप्स में क्या लगा है, लिप्स ऐसा लग रहा है कुछ नहीं लगा, लिपस्टिक लिपस्टिक नहीं। चलो ड्रेस देती हूँ मैं, ड्रेस चेंज कर लो, मैं भी ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, फिर जाते हैं, चाय पीना हो गया, और अभी गर्मी लग रहा है चाय पीने के बाद, लेकिन मुझे आराम से ठंडी लग रहा है। अभी तुम पानी से मुंह धो के आई हो ना, ठंडा पानी से फेस धो के आई हो, इसलिए। पेंगुइन ये पेंगुइन नहीं है, ये मिकी माउस है, मिकी माउस जैकेट है।
चलिए चलते हैं बाहर, थोड़ा घूम के आते हैं, तो लगता है संडे है, नहीं तो घर पर बैठे फिर कल से अनुज का ऑफिस है, तो मंडे टू सैटरडे पूरा वेट करना पड़ेगा कि कब वो आएंगे, फिर कब हम बाहर तो नहीं जाते, वो लेट से ऑफिस से आते हैं, फिर बाहर जाना नहीं होता है। और चलिए घूम के आते हैं, और इतना सच सवर के मार्क्स, घूम के आके फिर आपसे मिलती हूँ। मिष्टू आ गई है घूम के वापस, लगेगा वॉल पे। ये मिष्टू का जगह है, वो कहीं से भी घूम के आती है आके अपने साइकिल पे आके बैठ जाती है। वहां पे खड़े हैं मिष्टू के पापा। ये अच्छा था बाबा जी का। फाइनली हम आ गए हैं और बस आधा घंटा घूम के आ गए हम तो। और क्या अभी पैटीज लाए हैं खाने में, तो पैटीज को थोड़ा गर्म कर लूंगी तो वायरस नहीं रहेगा उस पर। तो अभी ड्रेस चेंज करके हाथ हाथ अच्छे से धोके, क्योंकि अभी तो हमारा ये आदत ही हो गया है कि कहीं से आओ कुछ छुओ कि ना छुओ सब कुछ चेंज करना है, हाथ हाथ धोना है। तो ड्रेस चेंज करके हाथ धो के पैटीज गरम करके खाते हैं। मैंने धो लिया। तुम तो गुड गर्ल हो। तो फ्रेश हो गई हूँ मैम, अभी खा रही हूँ, और मिष्टू ने प्लेट ला के सर्व किया है पैटीज। मिष्टू बड़ी हो गई है और ये वेज पैटीज है। हमारे सोसाइटी से निकल के ही एक बड़ा बेकरी है वहाँ का, बहुत टेस्टी बनता है। तो अभी इवनिंग हो गया तो थोड़ा भूख लगा है, तो एज ए इवनिंग स्नैक्स अनुज बोले कि चलो आज पैटीज लेते हैं। पहले मैं बहुत पैटीज खाती थी, मुझे पैटीज खाना बहुत पसंद है। अच्छा है मिष्टू। तो चलिए आज इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। अभी ऐसा कुछ काम नहीं है, अभी हम थोड़ा टीवी देखेंगे और फिर मिष्टू बोल रही है बैडमिंटन खेलना है उसको, तो थोड़ा नीचे जाएंगे, मतलब हमारे सोसाइटी पे ही नीचे जाएंगे, बैडमिंटन खेलेगी वो पापा के साथ, मैं और अनुदू बैडमिंटन खेलेंगे। तो इस वीडियो का यही पेंट करती हूँ, मॉर्निंग से स्टार्ट की हूँ ये वीडियो, तो अभी तो ऐसा ही चल रहा है सबका रूटीन मेरा भी। और आज हम कहीं दूर कहीं घूमने नहीं, ऐसा नहीं गए कि मैं दिखाऊँ आपके साथ शेयर करूँ, जस्ट ऐसे ही निकले, थोड़ा सा सोसाइटी से बाहर निकल के थोड़ा इधर उधर घूमे, घूम के हम फिर वापस आ गए, क्योंकि मिष्टू को वैसे तो सर्दी भी हुआ है और कहाँ जाएंगे, कहीं जाने का मन भी नहीं कर रहा था, तो इसलिए हम आ गए हाफ एन आवर के अंदर थोड़ा घूम फिर के। तो इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन के पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ मेरे वीडियो शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। बाय बाय गुड नाइट। बाय बाय गुड नाइट। और एंजॉय करते हैं हम अभी ये पैटिस, उसके बाद जाते हैं नीचे खेलने बैडमिंटन। बाय बाय।